हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ आरसी एजुकेशन हब बांसू। लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 9, क्लास 10, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। तो देखिए बेटा, ड्यू टू द कोरोना बिकॉज द पार्ट इवोल्यूशन पार्ट शुड बी रिड्यूस्ड। ओके, सो स्पेशली हमें जो भी टॉपिक्स इस चैप्टर में कवर अप करने हैं वो हम करेंगे। ओके, सो यहाँ पे कुछ मेन टॉपिक्स हैं जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। दैट इज़ वन इज जेनेटिक्स, जीन्स, हेरिडिटी, वेरिएशन, मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो देखिए, चैप्टर नंबर 8 में हमने डिस्कस किया अबाउट द रिप्रोडक्शन, एंड इन दैट चैप्टर आई वॉज एक्सप्लेन टू यू दैट ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देर आर मोर चांसेज ऑफ वेरिएशंस। ओके, वट आर वेरिएशंस? तो डिफरेंस इन द कैरेक्टर्स और फीचर्स बिटवीन द पेरेंट एंड द देयर ऑफ स्प्रिंग्स, दैट इज नोन एज वेरिएशंस। वी वर ऑल्सो डिस्कस दैट वेरिएशंस प्रोवाइड सर्वाइवल कैपेबिलिटी। ओके, इट इज़ नॉट एसेंशियल इन ऑल द केसेस, बट मोस्टली वेरिएशंस प्रोवाइडिंग सर्वाइवल कैपेबिलिटी विच इज़ गुड फॉर दैट पर्टिकुलर स्पीसीज। ओके, सो हेयर इन दिस चैप्टर सम सिंपल टर्म्स आर देयर, सो फर्स्ट लेट डिस्कस अबाउट दोज टर्म्स। वन इज जेनेटिक्स। सो वट इज जेनेटिक्स? इट इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट। ओके, सो जेनेटिक्स इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, इट इज ब्रांच ऑफ साइंस, और जब आप हायर लेवल पर जाएंगे दैट इट इज नोन एज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशंस। अंडरस्टैंड और नॉट? इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, और यू कैन से दैट इट इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशंस। ओके, अब हेरिडिटी क्या होती है, वेरिएशंस क्या होते हैं, दैट लेट डिस्कस इन द नेक्स्ट वन। अनदर वन इज जीन्स। सो जीन इज द बेसिक, जीन इज द बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी, जीन इज द बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी। इज दैट क्लियर? इसको आप ये भी कह सकते हैं, जीन इज द स्मॉलेस्ट फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए विच ट्रांसफर द करेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफ स्प्रिंग्स। इज दैट क्लियर? इट इज द फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए। ठीक है, जनरली होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल यू नो वेरी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ सेल, दिस इज द सेल मेम्ब्रेन। ओके, इन साइड दैट साइटोप्लाज्म इज देयर, देयर इज ए न्यूक्लियस, इन साइड द न्यूक्लियस सम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट, and those thread-like structures are known as chromosomes. And what are chromosomes? These are the winded DNA. It means when DNA get packed, they form chromosomes. अगर हम chromosomes को unwind करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, DNA का structure मिलेगा. And DNA having or fragments, DNA having genes. Is it clear? It means the fragment of DNA is known as the genes. और जीन्स क्या है, ये हेरिडिटी यूनिट है जो करेक्टर्स को, फीचर्स को पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में ट्रांसफर करते हैं। नेक्स्ट वन वेरिएशन, सॉरी हेरिडिटी। सो हेरिडिटी इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स to their offsprings. Understand? It means इसमें क्या होता है, characters का transfer होता है parents से उनके बच्चे में, that is the process. Okay, it is the process. Another variations. So variation is the difference in the features or characters of parents and their offsprings. Is that clear? Understand or not? It means यहाँ पे देखिए, difference in the features of the parents and their offsprings. और variations जहाँ पे ज़्यादा है, it means they provide survival capability. They provide survival
कैपेबिलिटी, यानी एक वो स्पीसीज है जिसमें वेरिएशंस कम है और एक ऐसी स्पीसीज है जिसमें वेरिएशंस बहुत ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा टाइम तक क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। इज इट क्लियर? ये सिंपल टर्म्स थे, अंडरस्टैंड? तो जेनेटिक्स क्या है? ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। हेरिडिटी क्या है, ये आपको क्लियर हो गया अब? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स। यानी किसी भी पेरेंट्स, फॉर एग्जाम्पल एक पेरेंट्स हैं, उनके जो हेयर्स हैं वो बहुत कर्ली हेयर्स हैं और उसके जो बेबी है उसके हेयर्स भी कर्ली हैं, तो ये जो कर्ली हेयर वाला कैरेक्टर ट्रांसफर हुआ है, दैट इज नोन एज द, दैट प्रोसेस इज नोन एज द हेरिडिटी। और इनको ट्रांसफर करने का काम कौन करता है? तो वो करते हैं जीन्स। इज दैट क्लियर? तो जीन्स क्या हो गई यहाँ पे? जीन्स हो गई बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी जो कैरेक्टर को ट्रांसफर करेंगी। और ये जिस साइंस के अंदर, जिस ब्रांच के अंदर हम स्टडी करते हैं इन हेरिडिटी और वेरिएशंस के बारे में, दैट ब्रांच इज नोन एज जेनेटिक्स। इज दैट क्लियर? अब वेरिएशंस क्या होते हैं? तो डिफरेंस इन द फीचर्स ऑफ द पेरेंट्स एंड देयर ऑफस्प्रिंग्स, जिससे कि उनमें सर्वाइवल कैपेबिलिटी इंक्रीज होती है। अब देखिए, हमें डिस्कस करना है मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में। मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? व्हेन सिंगल कैरेक्टर इज कंसीडर्ड, ओके, व्हेन सिंगल कैरेक्टर इज कंसीडर्ड ड्यूरिंग द क्रॉस, व्हेन सिंगल कैरेक्टर इज कंसीडर्ड ड्यूरिंग द क्रॉस बिटवीन ऑर्गेनिजम्स। यानी जब हम किसी भी सिंगल कैरेक्टर को लेके चलते हैं, इज दैट क्लियर? सो दैट इज नोन एज व्हेन सिंगल कैरेक्टर इज कंसीडर्ड ड्यूरिंग द क्रॉस बिटवीन डिफरेंट बिटवीन ऑर्गेनिजम्स। यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म के बीच में हमें क्रॉस करवाना है अगर हम एक कैरेक्टर को लेके चलते हैं। देखिए, फॉर एग्जांपल मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट था वो मैं बता देती हूँ आपको, वैसे हम वो आगे डिस्कस करेंगे, बट मोनो हाइब्रिड क्रॉस को समझना है तो उसके लिए बता देते हैं कि मेंडल ने जो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट किया था वो क्या था? पी प्लांट पे, ठीक है? और उसने फर्स्ट जो कैरेक्टर चूज किया था, दैट इज हाइट, हाइट ऑफ द प्लांट। और उसने पहला क्रॉस यही किया था कि जो प्योर टॉल था, इनको एलील्स बोलते हैं, व्हेन जीन्स आर इन पेयर एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ए पर्टिकुलर कैरेक्टर, दे आर नोन एज एलील्स। तो यहाँ पे ये कैपिटल टी है, इट मींस इट इज फॉर प्योर टॉल प्लांट, एंड स्मॉल टी इज फॉर प्योर ड्वार्फ। तो यहाँ पे जब इन्होंने दो प्लांट के बीच में क्रॉस करवाया था, हमें जो F1 प्रोजेनी मिली थी, दैट इज कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, दिस इज F1 प्रोजेनी, ठीक है? बिकॉज यहाँ पे हमने सिर्फ एक करेक्टर को कंसिडर किया है और वो करेक्टर कौन सा है? हाइट ऑफ द प्लांट। इज इट क्लियर? तो ऐसे जो क्रॉसेज होते हैं जिनमें हम एक सिंगल करेक्टर को कंसिडर करके क्रॉस करवाते हैं, ऐसे जो क्रॉस होते हैं उनको बोलते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो इट मीन सिंगल, हाइब्रिड बिकॉज हम उनके बीच में क्रॉसिंग करवा रहे हैं, सो दैट्स व्हाई। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस आपको क्लियर हो गया होगा, जिसमें हम सिर्फ एक सिंगल कैरेक्टर लेके चलते हैं, दैट इज नोन एज द मोनो हाइब्रिड क्रॉस। फॉर एग्जांपल हम करें कि भाई एक पेरेंट्स हैं, फादर हैं प्योर ब्लैक आईज हैं उनकी होमोजाइगस कंडीशन में, मदर है उनकी ब्राउन आईज हैं हेटरोजाइगस कंडीशन में या होमोजाइगस कंडीशन में, जो भी है। तो यहाँ पे भी हमने एक कैरेक्टर लिया है, दैट इज आई कलर, ठीक है? तो इनके बीच में जो क्रॉस होगा, दैट इज नोन एज द मोनो हाइब्रिड क्रॉस, अंडरस्टैंड? अब हम बात करेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस की। तो देखिए, नाम से पता लग रहा है, डाई मीन्स होता है टू, इज दैट क्लियर? डाई मीन्स क्या होता है? टू। सो व्हेन टू कैरेक्टर्स आर कंसीडर्ड, आर कंसीडर्ड ड्यूरिंग क्रॉस बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स, बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स, ओके, सो दैट इज नोन एज डाई हाइब्रिड क्रॉस। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया कि भाई जब हम दो कैरेक्टर्स को लेके चलते हैं और दो कैरेक्टर्स को लेके हम क्रॉस करवाते हैं, तो दैट इज नोन एज द डाई हाइब्रिड क्रॉस। फॉर एग्जाम्पल जो मेंडल ने डाई हाइब्रिड क्रॉस करवाया था,
उसमें उन्होंने दो कैरेक्टर लिए थे, एक तो उन्होंने लिया था सीड कलर ऑफ पी प्लांट, ओके सीड कलर, और दूसरा उसके लिए था सेप, कि एक जो सीड था वो तो था राउंड एंड येलो, इज इट क्लियर, दूसरा जो सीड था वो था रिंकल्ड एंड ग्रीन, अंडरस्टैंड, यानी दो कैरेक्टर लिया हमने, एक तो राउंड है यानी उसकी शेप कैसे राउंड है, दूसरा हमने दूसरा जो सीड था वो कैसा था रिंकल्ड, तो पहला तो हमने इसमें क्या कैरेक्टर लिया है कि भाई सीड की जो शेप है वो कैसी है, राउंड है या फिर वो रिंकल्ड है, दूसरा हमने लिया सीड कलर, ओके यानी सीड येलो है या ग्रीन है, तो यहाँ पे हम दो कैरेक्टर लेके चल रहे हैं, दैट्स व्हाई द क्रॉस इज नोन एज द डाई हाइब्रिड क्रॉस, इज दैट क्लियर, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, जब हम मेंडल को वर्क पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि क्रॉस किस तरह से करते हैं, ओके बेटा, सो दीज आर द सिंपल टर्म्स विच यू मस्ट बी नो अबाउट इट, ओके इसमें एक और चीज मैं आपको बता देती हूँ, डोमिनेंट एंड रिसेसिव कैरेक्टर्स, वो भी आप देख लीजिए, डोमिनेंट एंड रिसेसिव कैरेक्टर्स, डोमिनेंट ट्रेट्स, डोमिनेंट ट्रेट्स क्या होते हैं, विच रिप्रेजेंट और वी कैन से दैट विच एक्सप्रेस देम इवन इन बोथ होमोजाइगस एंड हेटरोजाइगस कंडीशन, ठीक है, यहाँ पे होमो आती है सेम, ओके फॉर एग्जाम्पल कैपिटल टी या आप कह सकते हैं स्मॉल टी या आप कह सकते हैं कैपिटल बी या आप कह सकते हैं स्मॉल बी, ये होता है होमोजाइगस कंडीशन यानी प्योर, दूसरा है हेटरोजाइगस कंडीशन, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, एक कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल बी स्मॉल बी, इस तरह से ये हेटरोजाइगस कंडीशन है, यानी डोमिनेंट ट्रेट वो होते हैं जो अपने आप को मॉर्फोलॉजी में एक्सप्रेस कर दे, चाहे वो होमोजाइगस कंडीशन में चाहे वो हेटरोजाइगस कंडीशन में, यानी अगर यहाँ पे कैपिटल टी डोमिनेंट है ये करेक्टर डोमिनेंट कब होगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने क्रॉस करवाया एक टॉल और ड्वार्फ के बीच में और हमें F1 प्रोजेनी मिल गई कैपिटल टी स्मॉल टी, लेकिन मॉर्फोलॉजिकली क्या है, सारे के सारे प्लांट्स टॉल है, तो देखिए यहाँ पे कैपिटल टी जो है उसने अपने आप को हेटरोजाइगस कंडीशन में भी एक्सप्रेस कर दिया, इट मीन्स बाहर से जो फीचर है प्लांट कैसा है टॉल है, अंडरस्टैंड, तो इस कंडीशन में हम क्या कहते हैं ऐसे जो ट्रेट जो अपने आप को हेटरोजाइगस और होमोजाइगस कंडीशन में भी एक्सप्रेस करते हैं दोज आर नोन एज डोमिनेंट ट्रेट, ओके, और अगर हम अब रिसेसिव ट्रेट की बात करें तो अपोजिट हो जाएगा, रिसेसिव ट्रेट क्या होते हैं, द ट्रेट विच रिप्रेजेंट और एक्सप्रेस इटसेल्फ, द ट्रेट विच रिप्रेजेंट और एक्सप्रेस इटसेल्फ ओनली एक्सप्रेस इटसेल्फ ओनली इन होमोजाइगस कंडीशन, और क्या कह सकते हैं हम, दे कैन एक्सप्रेस इटसेल्फ ओनली इन एब्सेंस ऑफ डोमिनेंट ट्रेट, ओके दे कैन एक्सप्रेस इटसेल्फ ओनली इन एब्सेंस ऑफ डोमिनेंट ट्रेट, अगर डोमिनेंट ट्रेट एब्सेंट है तो ही वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कैपिटल टी के साथ जितनी बार भी स्मॉल टी के साथ कैपिटल टी आएगा जितनी बार भी हमेशा उसमें किसका कैरेक्टर अपियर होगा, कैपिटल टी का, क्लियर है, हाँ अगर दो स्मॉल टी होमोजाइगस कंडीशन में है तो वो प्लांट कैसा होगा ड्वार्फ, इज दैट क्लियर, सो दीज आर द सिंपल टर्म्स, आई होप एवरीथिंग शुड बी क्लियर, हैव ए गुड डे, बाय।